आज हम ESD 7 हिंदी संरचना पाठ्यक्रम पर विचार करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यह हिंदी का ऐच्छिक पाठ्यक्रम है। इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता के साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ठाकुरदास। डॉक्टर साहब भाषा वैज्ञानिक हैं, भाषाविद हैं, और इनके जरिए हम आपको हिंदी संरचना और खास तौर पर ध्वनि संरचना के बारे में विस्तार से बताएंगे। निश्चित रूप से ध्वनि संरचना के बारे में आपने इस पाठ्यक्रम के खंड एक में विभिन्न इकाइयों के माध्यम से ध्वनि संरचना के स्वरूप को समझा होगा, लेकिन जब शिक्षक आपके सामने होता है, कोई विद्वान आपके सामने होता है, तो जो चीज इकाइयों में हम नहीं दे सके, जैसे ध्वनियों का उच्चारण या फिर ध्वनि और वर्ण में किस तरह एक समानता होती है, जैसे हम बार बार ये बात कहते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, क्या यह सही है? क्या इसमें कोई अपवाद नहीं है? यह सब पता चलेगा। जैसे एक ध्वनि है तालव्य श और मूर्धन्य श, हम लिखते अलग अलग ढंग से हैं, लेकिन आम तौर पर बोलते एक जैसा ही। इसके भी कई कारण हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस सत्र में जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि हर एक भाषा अपने ध्वनियों के उच्चारण के लिए एक वर्णों का निर्माण करती है। क्यों करती है, कैसे करती है, इस पर हम विचार करेंगे। फिर कई शब्द, कई पारिभाषिक शब्दावलियां, पद आपके सामने आएंगे, जैसे स्वन, स्वनिम, संस्वन, खंडेतर स्वनिम आदि आदि, इस पर भी हम इस पर विचार करेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। हम आरंभ इसी बात से कर सकते हैं कि भाषा की संरचना में ध्वनि संरचना का क्या महत्व है, और इस पर भी हम यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं कि ये ध्वनि क्या है और भाषा में इन ध्वनियों का क्या महत्व और योगदान है। देखिए, भाषा मुख्य रूप से उच्चरित रूप होता है, बोलचाल का रूप है, लेखन उसके बाद की बात है। तो ऐसी स्थिति में अगर भाषा उच्चरित है तो उसका ध्वनि का महत्व तो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है, कि हम बिना उसके भाषा के बोलकर ही अपने भावों को व्यक्त करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर तो पूरा समाज ही गूंगा हो जाए जी। तो ऐसी स्थिति में ध्वनि का बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम सामान्य रूप से जब ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि एक, कोई भी ध्वनि, कोई आवाज़ भी ध्वनि है। अगर हमने आवाज़ ऐसे किया तो ये भी एक ध्वनि है, लेकिन हम भाषा में किस तरह की ध्वनियों का अध्ययन करते हैं ये समझना ज़रूरी है। तो ध्वनि में और कुछ और तकनीकी शब्द हैं, जैसे स्वन है, या फिर स्वन के बाद फिर संस्वन आता है या स्वनिम आता है, तो इस तरह के कुछ तकनीकी शब्द, उसका ध्वनि के साथ क्या अंतर है। ध्वनि मूल रूप में कोई भी आवाज़, किसी भी तरह की, चाहे वो सीटी की आवाज़ हो, घंटे की आवाज़ हो, सड़क पर चलते हुए इस तरह की आवाज़ हो, तो वो भी एक तरह की ध्वनि है। लेकिन भाषा में इन ध्वनियों का से हम अभिप्राय नहीं लेते, बल्कि जो ध्वनि हमारे उच्चारण अवयवों से उच्चरित होती है, अब उच्चारण अवयव इसको आप आगे बताएंगे ना, तो जो ध्वनि भाषा में प्रयुक्त होती है, भाषा में उसका महत्व होता है, उसको हम, और जो हमारे उच्चारण अवयवों से उच्चरित होकर जो ध्वनि निकले उसे हम स्वन की संज्ञा देते हैं।
तो ध्वनि और स्वन में ये एक अंतर है। हालांकि बहुत समय तक ध्वनि रचना, ध्वनि शास्त्र, ध्वनि विज्ञान ये सब चलता रहा, लेकिन अब चूंकि तकनीकी शब्दावली सामने आ गई है तो ऐसी स्थिति में ध्वनि में और स्वन में एक अंतर है। तो हम कोई भी बात जिस भाषा के संदर्भ में करते हैं तो वो स्वन है, और ये स्वन जो हैं ये अर्थ भेदक जब होते हैं तो वो स्वनिम कहलाती हैं। तो स्वन, हाँ, जैसे मैं ये कहूँ कि पल, इसमें पा ला ये दो स्वन हैं, लेकिन इसके साथ अगर मैं आ की मात्रा या आ स्वर जोड़ दूं बीच में तो ये पाल हो जाएगा। तो पल में और पाल में अंतर है। इसी तरह से कल का एक अर्थ है और काल का दूसरा अर्थ है, और या कला, कला, कला का अर्थ अलग अर्थ, कल और कला जी, या चल और चाल जी। तो इस तरह से जितने भी इस तरह से अर्थ भेदक हमारे स्वन हैं उनको हम स्वनिम कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक स्वन जो है वो एक रूप में, वैसे तो स्वन है लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में वो उसका दूसरा उच्चारण होता है। जैसे हम कहें कि ए एक स्वर है, लेकिन जब वो या से पहले उच्चरित होता है जैसे मैया, तो उसका उच्चारण ऐ हो जाता है जी। या अ है तो वा से पहले उसका उच्चारण ये हो जाता है। तो हम कहेंगे कि ए तो हमारा स्वनिम है, लेकिन ऐ इस स्थिति में किस संदर्भ में कि या से पहले इसका जो संस्वन है वो ऐ है और अन्यत्र वो ए है। तो एक संस्वन के दो या तीन भी स्वनिम के दो या तीन संस्वन हो सकते हैं। एक उदाहरण और दूं मैं जी। जैसे ना जो नासिकीय व्यंजन है, दंत्य है जी। वो अगर काखा गाघा ना काखा गाघा से पहले अगर आता है तो उसका उच्चारण या उसका वो ना के रूप में होता है, जैसे पंख, हाँ, जंगल वगैरह, या चवर्क से पहले आता है जैसे चंचल जी, जी, जी। अंजन वगैरह, तो वहाँ वो न्या के रूप में है, और अगर वो टाठा डाढ़ा के इससे पहले आता है तो जैसे डंडा, हाँ, चंट आदि, तो वहाँ पर वो ण के, तो उस रूप में हम कहते हैं कि ना तो स्वनिम है और उसके जो संस्वन हैं वो ना, न्या, ना और ना जी। तो ये चार हो गए जी, जी, जी। तो इस तरह से कुछ स्वरों के भी स्वनिमों, स्वर स्वनिमों के भी संस्वन हैं और व्यंजन स्वनिमों के भी संस्वन हैं। तो डॉक्टर साहब, ये आपने दो अभी कहा स्वर और व्यंजन, ये दो ध्वनि संरचना के दो प्रमुख जो अवयव हैं, तो ये व्यंजन और स्वर में क्या अंतर होता है? देखिए, मुख्य अंतर स्वर और व्यंजन में है कि इसके उच्चारण में जब वायु कहीं भी ना रुके, जैसे फेफड़ों से जो वायु आ रही है और वो सीधी आ ई ऊ, तो कहीं रुक नहीं रही है, वो सीधा सिर्फ उसका जो है होठों से हम उसे गोलाकार करते हैं तो ऊ हो जाएगा, या थोड़ा जीभ को ऊपर ले जाएंगे तो ई हो जाएगा। तो इस तरह से उसमें थोड़ा मॉड्यूलेशन जिसको कहेंगे जी, जी। वो हो जाता है। लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में कहीं ना कहीं रुकावट या कंस्ट्रिक्शन, संघर्षण इस तरह की, जैसे का, तो का में जीभ का पिछला भाग जो है वो जो कंठ स्थान पर वहाँ पर जाके थोड़ा सा टच करता है, छूता है उसको, तो उसमें वो का की ध्वनि, खा की ध्वनि, गा की ध्वनि ये निकलती है। इसी तरह से हम कहें कि चा, तो चा में क्या है कि हम चा तक जाकर उसे छूते हैं जो वर्ष का जो भाग है हम, और उसके साथ हवा घर्षण के साथ निकल रही है, तो ये इसको हम कह देते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, च छ ज झ। इसी तरह से क ख ग घ, ये कंठ ध्वनियां हैं, स्पर्श हैं, या इस तरह से ज श, तो इसमें
जो हवा जो है वो बिल्कुल संघर्षण या घर्षण के साथ निकल रही है, इसलिए इसके लिए हम संघर्षी ध्वनियाँ, तो ये नाम जो है। लेकिन मुख्य अंतर जो आपने पूछा कि वो स्वर और व्यंजन में ये है कि एक में हवा बिना किसी रुकावट के निकल रही है और व्यंजनों में किसी न किसी प्रकार की स्पर्श है तो वो रुकावट है। क ख ट ठ प फ इस तरह के जो ध्वनियाँ हैं उसमें ये रुकावट होती है, स्पर्श ध्वनियाँ हैं, और कुछ स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ हैं, कुछ संघर्षी ध्वनियाँ हैं आदि आदि। जी जी जी, तो स्वर और व्यंजन का यही अंतर है कि स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो कोई अवरोध नहीं होता है, अवरोध नहीं, और व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो कई अवरोध वायु के निकलने में अवरोध होते हैं। इसके अलावा जैसे व्यंजन के निर्माण में स्वरों की क्या भूमिका है? देखिए, बिना स्वर के व्यंजन का अस्तित्व नहीं है जी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि व्यंजन में कहीं ना कहीं जो उच्चारण अवयव है वो किसी उच्चारण स्थान पर जाकर उसको छूता है, और अगर वो वहीं चिपक गया तो ध्वनि तो निकली नहीं। उसके बाद जब तक अ की ध्वनि उसमें नहीं आएगी तो वो व्यंजन उच्चरित नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में व्यंजन जो है वो स्वरों की स्वर की सहायता के बिना या स्वरों की सहायता के बिना उच्चरित नहीं हो सकते। जैसे जितने भी व्यंजन हैं हमारे, तो उन व्यंजनों में एक कोई ना कोई स्वर तो हमेशा लगा रहता होगा। हाँ, अस्वर तो हमेशा ही हर एक व्यंजन के साथ ही है। जैसे हमारी वर्णमाला है, अगर हम उसका उच्चारण करते हैं तो वो क ख ग घ, तो हर एक में अ जो है वो उसके साथ है, उसके बिना उसका, जबकि दूसरी जो भाषाएं हैं उनमें ऐसी स्थिति नहीं होती। अच्छा। हाँ, जैसे मैं उदाहरण के लिए, हालांकि ये विषय में नहीं आता है, तो स्पेनिश है तो मैं आ बे दे से। अच्छा। दे तो उनके यहाँ ए एल ए अलग अलग तरह से उनका। अच्छा। वो है, लेकिन हमारी पूरी उसमें सभी जगह अ ध्वनि निहित है, इसलिए कहा भी जाता है कि प्रत्येक व्यंजन के साथ उसके लेखन में भी ये अ ध्वनि निहित है। नहीं तो अगर हम उसको अलग दिखाना चाहें कि आ रहित व्यंजन है तो हम हलंत करके उसे अच्छा, लिखते हैं ऐसे। और बाकी जो स्वर हैं उनके लिए क्या अलग अलग मात्राएं हैं? हाँ, आ को छोड़कर, आ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं हैं जी। आप जानते ही हैं कि 11 स्वर हम लोग, क्योंकि री को भी कुछ भाषा विज्ञानी उसे स्वर नहीं मानते। अच्छा। लेकिन 10 स्वर मानते हैं जी। लेकिन चूंकि संस्कृत में ये स्वर माना जाता था और उसकी आज भी मात्रा भी इस्तेमाल होती है, तो इसलिए हम उसको भी स्वरों में गिनते हैं जी। तो उस रूप में 11 स्वर हो जाते हैं, तो आ की मात्रा नहीं है, बाकी सभी स्वरों की मात्राएं हैं। तो जैसे जो इन स्वरों की व्यंजनों के साथ जो व्यवस्था हुई लेखन के लिए, तो उनमें सभी स्वरों के लिए तो हमने वर्ण चिन्ह बना लिए, लेकिन अ के लिए नहीं बनाया, तो क्या यह सुविधा की दृष्टि से या कोई भाषा वैज्ञानिक कारण है? नहीं, अ की दृष्टि से वर्ण चिन्ह तो है जी, मात्रा नहीं है उसकी। मात्रा नहीं है जी। हाँ, क्योंकि मात्रा जो है वो चूंकि निहित है सभी उसमें, अलग से वर्ण चिन्ह है, मात्रा नहीं है। मात्रा नहीं है, लेकिन चूंकि वो सभी व्यंजनों में निहित है, इसलिए उसको अगर उसके लिए मात्रा बनाते तो फिर तो दोहराव हो जाता और वो अव्यवस्था पैदा होती जी। तो एक चूंकि कहा जाता है कि देवनागरी बहुत ही व्यवस्थित लिपि है, लिपि है, तो उस नाते ये भी उसी व्यवस्था का ही मैं उसे अंग मानता हूँ कि ये चूंकि निहित है इसलिए उसको दोहराव ना करके बाकी जो है उसके अलावा फिर जो, जैसे अगर आपको का की के को देना है तो उसकी मात्राएं आप जोड़ देते हैं तब। लेखन में हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, वर्ण और अक्षर, इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, वर्ण तो लेखन का की इकाई है, अक्षर का हम थोड़ा कई बार भ्रामक प्रयोग हो जाता है, अक्षर सिलेबल भी है जी, जी, जी। तो व्यंजन और उसके साथ स्वर मिलाकर जो है, या व्यंजन स्वर व्यंजन, तो उस अक्षर की अपनी संरचना है उसके हिसाब से, लेकिन कई बार बड़े लूजली जो है हम उसका अक्षर का प्रयोग वर्ण के रूप में करते हैं। अक्षर माला भी प्रयोग होता रहा वर्णमाला के लिए, अक्षर व्यवस्था, या ये क एक अक्षर है,
ऐसा कह के, तो अक्षर जो है वो बोलने की उच्चारण की इकाई भी हो सकता है, लेकिन वर्ण जो है वो लेखन की इकाई है। तो ये मुख्य रूप से इसमें अंतर है। लेकिन अक्षर को हम उस रूप में ना लें, अगर वर्ण को ध्वनि है, वर्ण है और अक्षर है, तो अक्षर एक अपने आप में तकनीकी अर्थ देता है, वो सिलेबल का है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जैसे वर्ण और ध्वनि का जो संबंध है, तो कई बार ये हम लोग बोलते हुए या लिखते हुए महसूस करते हैं कि कई वर्णों के लिए, कई ध्वनियों के लिए अलग से वर्णों का उल्लेख नहीं है, या कई वर्ण हैं उनके लिए ध्वनियां नहीं है। जैसे कई आगत ध्वनियां भी हैं, उनके लिए हमें अलग से वर्ण बनाना पड़ता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। आगत ध्वनियां जो हैं, देखिए क्योंकि भाषा जो है वो, उसमें अलग अलग संस्कृतियों का प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ा है। पहले संस्कृत से ये विकसित हुई, और संस्कृत के विकास के साथ साथ उसके बाद फिर हमें उर्दू, अरबी, फारसी वगैरह का जो अंग्रेजी भी आई, उसके बाद फिर अंग्रेजी भी आई और विदेशी भाषाओं का भी संपर्क रहा। लेकिन मुख्य रूप से हमारे संपर्क स्रोत जो हैं वो अरबी, फारसी या उर्दू के माध्यम से जो हैं ये वो ध्वनियाँ हमारे पास आई। उनको लिखने के लिए एक समय व्यवस्था तो की गई, लेकिन चूंकि वो ध्वनियाँ आहिस्ता आहिस्ता हमारी भाषाओं में रच खप गई। अब आप देखते हैं कि जा है, फा है, इसके लिए तो नीचे बिंदी दी जाती है, नुक्ते की नुक्ता दी जाती है, क्योंकि ये इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, उसे उर्दू से की बहुत सारे शब्द हैं और अंग्रेजी के शब्द भी हैं, तो उसमें तो हम लोगों ने रख लिया। लेकिन जो देवनागरी का जो मानकीकरण हुआ उसमें आकर बाकी के लिए का है, खा है, गा है, उसके लिए ये कहा कि जहाँ पर अर्थ में अंतर आ रहा हो वहाँ तो रख लें। तो अगर देखा जाए तो अर्थ में तो सब जगह अंतर है। जैसे अब राज, राज तो जा के लिए तो वैसे तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, और इसी तरह से जैसे हम कहें कि सजा, सजा, सजा जी, तो जा और इसके लिए फा के लिए तो ठीक है, उसके लिए तो बहुत सारे शब्द हमें मिलते हैं, हमें रखना पड़ता है। लेकिन दूसरे जो हैं आपके जैसे खा है, खास, खास, अब वो आमतौर पर हिंदी के क्षेत्र में आजकल खास के लिए नुक्ता नहीं लगाया जाता, या इसे गांव में नुक्ता लगाने की, गांव में भी नुक्ता नहीं लगाया जाता आमतौर पे, जो तो ये जहां बहुत ऐसा हो कि हमें रखना ही है तो हम उसके लिए उसको करें, नहीं तो अर्थ की अर्थ भेदक कहीं है तो वो प्रयोग पर निर्भर करता है। और परंपरा का ज्ञान न होने के कारण कभी कभी नुक्ते गलत भी लगाए जाते हैं। हाँ, वो तो है कि अगर विदेशी भाषा से आए वाले ये आगत ध्वनियां हैं तो अगर उस भाषा का ज्ञान है, या हम कहते हैं इसको शीन काफ दुरुस्त, अगर कोई व्यक्ति रखना चाहता है तो वो कहेगा नहीं साहब ये तो होना चाहिए, खालिस के लिए तो ये होना चाहिए। जी जी जी। और एक इसमें और है कि कुछ जैसे ध्वनियों के अगर हम वर्गीकरण करें तो जैसे मात्रा युक्त ध्वनियां या फिर संयुक्त ध्वनियां, अनुस्वार और अलोप वाले शब्द, तो इस पर अलग अलग जरा हम विचार करें कि मात्रा युक्त ध्वनियां कौन कौन सी हैं। देखिए मात्रा के साथ जब हम ध्वनि लगाते हैं वो तो फिर ये कि दीर्घता है या मात्रा का वो स्वरूप हमें दिखाना है। अगर बेल लिखना है तो हम बा और उसके बाद ए है तो उसके एक ही मात्रा लगाएंगे। आमतौर पर क्या है कि व्यंजन के बाद अगर स्वर आ रहा है तो वो मात्रा रूप में इस्तेमाल होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, और अगर स्वर के बाद स्वर आ रहा है तो पूरा लिखा जाएगा। अच्छा, जैसे आओ, जी जी, जाइए, अच्छा अच्छा, जाइए, तो जा मात्रा है, आ ध्वनि है, इसके बाद ई आया तो ई पूरा लिखा गया, उसके बाद फिर ए आया तो पूरा लिखा गया। लेकिन योग शब्द है मान लीजिए तो या के बाद ओ की ध्वनि है तो ये या और ओ मात्रा युक्त हो गया तो यो हो लिखा गया। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी ये कि आलोप के बारे में आपने अभी बात की तो उसके बारे में बताऊं मैं कि हमारे यहाँ जो जैसे हम बोल लिखते हैं उसमें और बोलने में थोड़ा अंतर है। जैसे शब्द का अंतिम व्यंजन है तो उसका
उच्चारण जो है वो उसमें आ लुप्त करके होता है। रामा नहीं बोलते, राम बोलते, राम ना बोलकर रामा में तो आप बड़ा हो गया जी, जी, तो लेकिन जी, ये कि राम जी, आज कल, तो ला पर जाकर हम लोग गए तो रिलीज है लेकिन बहुत हल्की रिलीज है। तो यहीं पर ही हिंदी और संस्कृत में भी अंतर हो जाता है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि संस्कृत में तो वो जो अ ध्वनि है उसको वहाँ उच्चारित किया जाता है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हिंदी में वो नहीं किया जाता। तो ये तो हुआ कि शब्द के अंत वाला व्यंजन जो है उसमें अ आ ना कह के, बल्कि हम एक तकनीकी शब्द इस्तेमाल होता है इसके लिए श्वा, तो ये श्वा डिलीशन कहलाता है भाषा विज्ञान में। तो वो उसको अलोप ने लिख लिया, लेकिन वो अ और वो जो श्वा है वो आ से भी हल्का है, तो उसी से वो रिलीज होता है, उसी से वो उसका उच्चारण संभव हो पाता है। तो इसलिए अक्सर जब हम विदेशियों को पढ़ाते हैं तो वो लोग जो है उसका युक्त उसको बोलते हैं, इसलिए आ का लोप नहीं होता। दूसरा ये है कि शब्द के बीच में भी आ का लोप होता है अगर शब्द दो रूपिम का शब्द है। अच्छा। जैसे हम कहें लड़का, लड़का ना बोलकर लड़का, जनता, जनता में ऐसा लग रहा है जैसे ना आधा है, तो ये असल में उस आलोप की वजह से है। जन एक स्वतंत्र शब्द है, रूपिम है, और उसके बाद ता एक दूसरा रूपिम, बद्ध रूपिम जो है वो लगा हुआ है, तो जनता। तो इस तरह से अलोप शब्द स्तर और शब्द के बीच में भी होता है। डॉक्टर साहब, एक विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी होती है कि क्या हिंदी में, जैसे आपने अलोप की बात कही, तो हिंदी में किन शब्दों के बाद हलंत लगाना चाहिए और किन शब्दों के बाद हलंत नहीं लगाना चाहिए, और इसके पीछे क्या आधार है भाषा वैज्ञानिक? देखिए, हलंत का आधार जो है वो तो संस्कृत जी के कारण है जी। तो क्योंकि हिंदी में काफ़ी प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं, तो कई बार हम उसकी वजह से वो देखते हैं। ये हलंत की समस्या भी है और साथ में ये विसर्ग की समस्या भी, विसर्ग की समस्या हाँ। भी जी। तो विसर्ग भी जो है, अब जैसे वस्तुता जी, अंततः, अतः, प्रातः, तो कुछ चार पांच छह शब्द हैं जिनमें वो है, क्योंकि ये मुख्य रूप से संस्कृत के शब्द हैं। अगर हम उनका प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसमें उसको ले रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये हलंत हिंदी की प्रकृति में नहीं, नहीं। जैसे हम सतत लिखते हैं हाँ। तो सतत में हम हलंत लगाएं कि नहीं लगाएं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि काफी, क्योंकि हिंदी आपने बहुत स्पष्ट तरीके से ये बताया कि जो शब्द हम लिखते हैं उसमें अलोप होता है, अ का लोप होता है हमारे उच्चारण के कारण, लेकिन लिखने में नहीं है, उसमें लिखने में नहीं है, लिखने में नहीं है, वो उच्चारण स्तर पर है। तो इसलिए यहाँ पर अंतर लेखन में और जो उच्चारण में ये अंतर आ रहा है जी। लेकिन जो वो जो लेखन का प्रभाव जो हम देख रहे हैं, कई जगह लोग उसको अंत में हलंत कर देते हैं, वो संस्कृत के प्रभाव के कारण। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो कई बार हम लोग जो है संस्कृत के जैसे शब्द हैं तो उनका प्रयोग करते हैं, उसकी वजह से अच्छा, हम उसको ले लेते हैं जी, जी। तो लेकिन संस्कृत की व्यवस्था अपनी है, हिंदी की व्यवस्था अपनी, जैसे हम कहते हैं संस्कृत की ध्वनि संधियां हैं, हिंदी की संधियां हैं, तो हिंदी में चूंकि ये सभी प्रयोग हो रहे हैं इस वजह से इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो विसर्ग के साथ भी और ये साथ में हलंत के साथ भी, ये कारण उसका कारण वही है जी, जी, जी। और डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि स्वनिम की संकल्पना, स्वन के बारे में आपने बताया, ध्वनि और स्वन का अंतर भी बताया, अब ये जो स्वनिम की संकल्पना है और इसके साथ साथ स्वन, संस्वन और स्वनिम के भेद, इसके बारे में जरा विस्तार से। देखिए, स्वनिम जो है वो किसी भी भाषा की अर्थ भेदक इकाई है। स्वनिम अगर समान परिवेश में अगर हम स्वनिम में एक बदल देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाएगा, नया शब्द बन जाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण दिया था, कल, काल, कला, कला, या चल, जल, चाल, जाल, आला, जाला, वगैरह वगैरह, तो
इस तरह से जाला जाना, तो ये सभी जो हैं बाकी सब चीज़ें समान हैं, केवल एक स्वनिम का परिवर्तन करके, तो इसको हम कहते हैं इस तरह के जो युग्म हैं उनको न्यूनतम युग्म कहा जाता है। अच्छा अच्छा, मिनिमल पेयर्स। तो न्यूनतम युग्मों के माध्यम से हम पहचान करते हैं कि अमुक भाषा में जो स्वनिम ये स्वनिम है या नहीं है, यानी कि अगर उसके आधार पर अर्थ में अंतर आ जाता है, अर्थ भेदक लक्षण है उसमें, तो हम स्वनिम कहेंगे। मतलब कि जल और जला, ठीक है, ये एक अंतर आया, इसमें स्वनिम कौन सा है? देखिए, जा ला, अभी तो हमने जल, उसके बाद हमने ये आ जी, तो जल अ शॉर्ट जो ला के साथ है, छोटा अ और बड़ा आ, तो इसमें अ और आ स्वनिम हो गए, तो ये अ और आ स्वनिम हो गए, क्योंकि ये स्वर स्वनिम हुए, ये स्वर स्वनिम हुए जी। अगर मैं कहूँ कि चल और जल का अगर मैं लेता हूँ पेयर, अच्छा, 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 तो चा के स्थान पर मैं जा कर देता हूँ, अच्छा, अच्छा, ला समान है, अच्छा, असमान है बीच में, अच्छा, अच्छा, तो अंतर केवल चा और जा का हुआ, तो इसका मतलब ये चल एक शब्द है जी, इसका जी, अर्थ है जी, चलना, और जल एक शब्द है पानी, तो उसमें चा और जा ये दो स्वनिम हुए। अगर मैं इसी इसके स्थान पर आगे पा कर देता हूँ, पल कर देता हूँ, मल कर देता हूँ, थल कर देता हूँ, तल कर, तो इस तरह से करके अगर हम ऐसे जोड़े बनाते जाएं, तो हम देखते हैं कि हिंदी में ये अगर 25 ये अगर काखा गाघा इस तरह से वो है, तो वो पूरे के पूरे जो हमारे स्वनिम निश्चित हो जाते हैं। मतलब कि स्वन तो है स्वतंत्र रूप में, काखा गाघा ये स्वन हुए, लेकिन नहीं, स्वन जो है वो तो कोई भी ध्वनि है जो मानव अवयव मनुष्य के मुख के अपने मुख से निश्चित या अवयव उच्चारण अवयवों से बनी हुई वो स्वन हुई, लेकिन उसमें अर्थ भेदक क्षमता है या नहीं? जब अर्थ भेदक होगा तो स्वनिम होगा, तब स्वनिम होगा। अच्छा अच्छा, तो स्वनिम कैसे हम तय करते हैं उसका मैंने तरीका बताया कि हम ऐसे कोई नई भाषा हमें सीखते हैं या नई भाषा पर काम करते हैं तो हम उसकी स्वनिम व्यवस्था बनाना चाहें, तो यही है कि हम जो भी शब्द हमें मिलते जाएं उनको इस रूप में रखें कि वो न्यूनतम युग्म बने, इसमें बाकी जो स्थिति है परिवेश समान हो, केवल एक अंतर हो। ये जैसे चल है जी, और मैंने चा के स्थान पर जा कर दिया, बाकी ला वही रखा जी, तो असल में चल क्या है, ये चा जी। अगर इसको हम तोड़ कर लिखें तो ये एक बना, और इसी तरह से जा को अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा, तो बाकी सब स्थितियां समान हैं, केवल हमने कम से कम परिवर्तन करके और ये देखा कि इस परिवेश में ये जो जा है जी, इससे अर्थ में अंतर आ गया जी, चा के स्थान पर जाने से, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि चा और जा ये स्वर व्यंजन स्वनिम है, इसमें अर्थ भेदक क्षमता है जी, ये दो अलग अर्थवान शब्द हैं जी, 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 जी। तो ये तो हमने ये समझ लिया कि ध्वनि क्या है, स्वन क्या है, और एक और शब्द का आपने बता, संस्वन आपने कहा था, तो संस्वन ये है, जैसे ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिया था, जैसे औ ये हमारा संस्वन है, स्वर संस्वन, स्वर स्वनिम है, स्वर स्वनिम है जी, तो स्वनिम को हम इस तरह से स्लैशेज में लिखते हैं। अच्छा, और इसके किसी भी भिन्न स्थिति में अलग उसका उच्चारण हो जाता है, तो औ का उच्चारण जो है अगर औ हो गया कहां पर, कि वा से पहले, तो ये इसकी कंडीशन है। अच्छा अच्छा, तो संस्वन को हम इस तरह से लिखते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये असं जो संस्वनिम है वो औ के रूप में उच्चरित होता है जब वो वा से पहले हो, जैसे दोस्तों एक स्वनिम के कई संस्वन हो सकते हैं, हो सकते हैं जी, जैसे और बाकी जगह जो है ये, तो ये है अन्यत्र, अगर दो
संशोधन है, तो एक की तो हम जो भी उसकी स्थिति या संदर्भ या कंडीशन स्पष्ट कर देते हैं और दूसरा जो है उसको अन्यत्र लिख देते हैं, बाकी सभी स्थानों पर ये अ होगा, लेकिन जब ये वा के रूप वा से पहले आएगा तो ये औ हो जाएगा, जैसे कौवा हौवा वगैरह। और इसी तरह से ए ये भी स्वनिम है और ये या से पहले ये आई के रूप में उच्चरित होता है और अन्यत्र जो है वो जैसे कैसा पैसा जैसा, लेकिन मैया भैया नैया में या से पहले जो है, तो इस तरह से जो संसन होगा उसको हम इस रूप में लिखेंगे। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ना के चार संसन बताए थे, यहाँ पर मैं दे दूँ, अगर ना है तो ये ना के रूप में, ना के रूप में और इसकी कंडीशन क्या है कि ये कवर्ग से पहले, चवर्ग से पहले और ये टवर्ग से पहले, तो टवर्ग काखा गाघा जो टवर्ग जो है या इस तरह से उन ध्वनियों से पहले अगर ये ध्वनि है तो ये। लेकिन इसके साथ बाकी जैसे अभी शब्द संरचना इसको हम क्या करें जी, तो इसी तरह से जैसे संशय ये कहां जाए जी। तो ये पूरा जब हम इसका वितरण करते हैं तो इन कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग तवर्ग इन सब में जो है इसको बांट देते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, जैसे ह है तो कवर्ग के साथ जाएगा तो संहार है वो। अच्छा, अच्छा, या संरचना है तो ये संग ये भी उसी के साथ ही जाएगा, कवर्ग के साथ चला जाएगा। या संशय है तो वो ये चवर्ग के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से ये इनका वितरण हो जाता है। अच्छा, अच्छा। तो पूरे जितने भी हमारे स्वनिम है वो इससे एक तरह से इनकी अकाउंटिंग हो जाती है, अकाउंटिंग हो जाती है। तो जो कई बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि ये जो स्वनिम है उसके संस्वन जो बनते हैं वो स्थानीय बोलियों से भी प्रभावित होते हैं क्या कभी कभी? हाँ, इन उदाहरण जैसे जो ये उदाहरण ऐसे तो लगता है कि जैसे पूर्वी हिंदी या बिहारी की जो बोलियां हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उसका उच्चारण इस रूप में होता है। जी जी जी। लेकिन यहाँ पर वहाँ तो पूरा उच्चारण ही उस रूप में आई है, वहाँ ए है ही नहीं, औ है ही नहीं, औ है। लेकिन मानक हिंदी में या मान लीजिए परिष्ठित हिंदी में हम जब कहें तो ये कि वहाँ कंडीशन है कि यहाँ पर ये भी है ये भी है। इसके अलावा ध्वनि संरचना में और किन किन बातों पर विचार किया जा सकता है? ये विचार तो हम लोग जैसे कोई भी उच्चारण शब्द है उच्चरित है हो रहा है तो उसमें एक तो जो हमारे खंडीय ध्वनियाँ हैं और कुछ खंडेतर ध्वनियाँ हैं, तो जो शब्द के साथ मतलब जो हमारे लेखन में या उच्चारण में उसके साथ एक दूसरा कोई फीचर भी साथ में आ रहा है, जैसे अनुनासिकता है जी। तो जितने भी हमारे मौखिक स्वर हैं आ से लेके ये 11 स्वर तो वही 10 री तो उस में नहीं, चूंकि वो स्वर के रूप में प्रयुक्त होता था तो हमने उसको उसकी मात्रा है इसलिए उसको स्वर मान लिया। तो वास्तव में तो 10 स्वर हैं, उन 10 स्वरों के नासिक के रूप भी हैं, वो अनुनासिक रूप भी हैं। तो एक तो अनुस्वार है और एक अनुनासिकता है। अनुनासिकता जो है वो स्वर की विशेषता है, जैसे हम कहें कि स्वरों का नासिक के रूप है। तो वो उसके लिए जैसे हम चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ पर स्वर की मात्रा ऊपर जा रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कहूँ ये आ की मात्रा है तो इसके साथ जो रूप होगा वो चंद्र बिंदु का होगा, या जो नीचे मात्रा लिखी जा रही है ऊंट है जैसे मान लीजिए तो उसमें भी ये आएगा। लेकिन जब मात्रा
लाइन के ऊपर चली गई, शुरू रेखा के ऊपर चली गई, तो वहां पर जो है वो यही जो रूप है, यही जो है वो दो रूपों में इस्तेमाल होता है। हम इसको यूं कहें कि ये जो नेजलाइजेशन है, एक तरह से अनुनासिकता है, वो दो रूपों में लिखी जाती है, एक तो चंद्र बिंदु के रूप में और दूसरा जो है केवल बिंदु के रूप में। और इसी से कई बार भ्रम पैदा होता है कि अनुस्वार है ये, अनुस्वार नासिक के व्यंजन के स्थान पर आ रहा है। जैसे हम कहें शब्द गंगा, तो पुराने हिसाब से हम इसको चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, गंगा जी। या पहले यूं लिखा जाता था गुणा के नीचे, तो ऐसा ना करके जो जो देवनागरी लिपि वर्तनी को का मानकीकरण हुआ जी। तो ऐसी सभी स्थितियों के लिए जहाँ पर पंचम वर्ण या नासिक के व्यंजन आ रहा है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम उसके सिर्फ अनुस्वार कर देते हैं। और इसीलिए अनुस्वार को अंग के रूप में भी हमारी वर्णमाला में शामिल किया गया, पारंपरिक वर्णमाला में। लेकिन हालांकि अंग को हम अलग से स्वर नहीं मानते, वो स्वर नहीं है, वो असल में ये नासिक के व्यंजन के स्थान पर जो है। तो इस तरह से गंगा, कंठ, चंचल वगैरह, तो जो होमो ऑर्गेनिक नेजल जो उसी तरह की उसी वर्ग का जब का जैसे कवर्ग का जो नासिक के है, नासिक के ध्वनि है वो ना है, चवर्ग का नासिक के व्यंजन जो है वो निया है, तो निया से पहले आने वाले या ना से पहले आने वाले जो चार चार व्यंजन हैं उनके बाद अगर ये आ रहा है, ये ध्वनि आ रही है, तो हम उसको पूरी वो ध्वनि न लिख के या उसके आधा वो न्या या ना न लिख के हम उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए ये जन्म शब्द है, लेकिन अब क्या करें, जन्म को क्या करेंगे, क्या हम ना के स्थान पर ये करेंगे? ऐसा नहीं। अगर ये दोनों अलग अलग तरह की राशि के, अच्छा, तब तो हमें ऐसे लिखना, पूरा लिखना। अच्छा, लेकिन अगर ये आ रहा है और सम्मान नाना आ रहा है या मामा आ रहा है, तब भी हम इसको अनुस्वार से नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो हम उसके लिए उसको आधा अच्छा, मां करके, जैसे सम्मान, अन्न, परंपरा को कैसे लिखेंगे? परंपरा जो है, क्योंकि अब ये पा से पवर्ग है ना, पा जी, फा जी, बा जी, भा और मा जी, तो ये इस मा के लिए ध्वनि है, पवर्ग पाक से पहले आ रहा है जी, तो इसका मतलब ये उसी वर्ग के अंतिम अगर जी नासिक के व्यंजन है जी, तो हम उसे अनुस्वार से लिखेंगे। अच्छा, तो ये परंपरा जो है, तो कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन इसका सरलीकरण या मानकीकरण मानकीकृत रूप है और जल्दी भी लिखा जा सकता है जी, तो हम उसको इससे कर सकते। संबंध जी, तो संबंध में भी पहला माँ है, क्योंकि वो बा से पता चल जाता है, तो वो हम उसको, और इसी तरह से ना है, तथा दाधना जी, तो धा से पहले ना है, तो वो उसे अनुस्वार से लिखा जा सकता है। अच्छा अच्छा, और एक शब्द बार बार कई अलग अलग जो प्रतीक है उससे लिखे जाते हैं, जैसे गांधी, उसका क्या कोई समाधान अभी है? देखिए, हमारे ने मानकीकरण कोई किया है? देखिए, अगर इसका आधार है गंध जी, अगर गंध से जी के लिए इसका विकास मानते हैं जी, तो ये गांधी जी, तो ये ऐसे इससे होना चाहिए जी, जी। अगर उसका उच्चारण के आधार पर हम देखें ये गंध से संपर्क संबंध नहीं है, तो उसे हम इसे लिख देते हैं। अच्छा अच्छा, तो अब ये कि ये गांधी जो हैं, क्या इनका संबंध
गंध विक्रेता या गंध उत्पादक या इस तरह से उससे रहा है या नहीं। अगर नहीं है तो ये रूप स्वीकार्य है उच्चारण के हिसाब से, क्योंकि तो आ जो है वो उसका नास अनुनासिक रूप है, नासिक के रूप है, तो उसमें गांधी हम उसे कर सकते हैं। अच्छा, तो लेकिन जैसे दंत है संस्कृत का शब्द है जी, और दांत जी, जी, तो दंत चिकित्सा दंत जी, दंत्य तो जी, उसमें तो चूंकि संस्कृत तो उसमें तो अनुस्वार है ही है जी, ये वाला जो है वो अनुनासिक है, क्योंकि ये अनुनासिक वाले शब्दों को लेकर और पंचवर्णों के शब्दों को लेकर काफी अभी हिंदी में चूंकि ये ध्वनि संरचना को और उसके आधार को सब लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसमें काफी अराजकता है। नहीं, अराजकता तो कुछ हमारी मीडिया ने भी कर दी है जी, जी, तो प्रिंट मीडिया ने खासतौर पर, उन लोगों ने तो चंद्रबिंदु हटा ही दिया है जी, सभी जगह जो है जी, जबकि होना ही चाहिए कि अगर ये स्वर अनुनासिक स्वर है तो ये चंद्रबिंदु होना जी, चाहिए जी, उसका ये वेरिएंट है जी, कि जब मात्रा ऊपर जाती है तो ये होना चाहिए जी, तो लगता है कि शायद इस चीज को पूरी तरह न समझने के कारण ये स्थिति पैदा हो रही है जी, जी, जी। और उसको देखकर चूंकि मीडिया भी प्रभाव डालता है कि हाँ तो लिखा हुआ है छपा हुआ है, तो उससे कई बार भ्रम पैदा होता है। तो ये जो ध्वनियां हैं इनको हम क्या खंडेतर ध्वनियां कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, इनको खंडेतर कहेंगे क्योंकि ये दूसरी ध्वनियों के साथ जी, साथ उच्चारित हो रही है जी, जैसे हम ये कहें कि जंक्चर है, जैसे हमारा संहिता जी, तो जैसे मिलाना शब्द जी, जी, तो जंक्चर या संहिता का मतलब है विराम, अगर इसके बीच में थोड़ा विराम हो जाए तो ये हो गया मिल आना, तुम उससे मिल आना, तुम उसे मुझे मिलाना, तो मिलाना और मिल आना, तो थोड़ा सा अ का जैसे अंतर इसमें ये पूरा है तो यहाँ पर यह आप पूरा, तो इस तरह से बहुत सारे शब्द या बहुत सारे रूप जो है वो उस रूप में भी हमें मिलते हैं कि जंक्चर भी अर्थ भेदक हो जाता है। तो और खंडीय और खंडेतर में क्या अंतर है? खंडीय तो ये कि जैसे हम ये कहें जितने भी हमारे स्वर हैं व्यंजन हैं ये तो खंडीय ध्वनियां हैं। अच्छा अच्छा, उसके साथ अब जैसे स्वर के साथ अनुनासिकता जुड़ गई तो अनुनासिकता जो है वो हमारी खंडेतर हो गई, तो खंडीय के अतिरिक्त उसके ऊपर जो है हम ये दूसरी ध्वनि इस्तेमाल कर रहे हैं, मात्राएं हैं जी, जी, जी। बलाघात है, तो ये कई चीजें हैं जो कि खंडेतर हैं जी, अनुतान है जी, जी। तो जैसे अनुतान कई बार एक वाक्य है वो शीला है, आश्चर्य हो सकता है वो शीला है, स्टेटमेंट है एक तरह से, या शीला है तो वो एक तरह से प्रश्न भी हो सकता है। विद्यार्थियों, अभी आपने ध्वनि संरचना के बारे में एक व्यावहारिक जानकारी प्राप्त की, निश्चित रूप से आपको इसमें इस हिंदी की ध्वनि संरचना को समझने में मदद मिलेगी और आप शुद्ध भी लिख सकेंगे। विद्यार्थियों, फिर हम मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद।